Hello everyone, welcome to the channel. So today we are going to discuss 21 time and work question. Total 7 question, मतलब 21 वालों के लिए वेरी फॉर्चुनेट सिचुएशन था कि 7 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आए. स्लॉट 1 में सिंगल 3 क्वेश्चन, स्लॉट 1 में, स्लॉट 2 2, स्लॉट 3 2. तो थिंग्स अबाउट दैट, 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 24, इट मींस 21/8, सम बार 12% क्वेश्चन इज फ्रॉम टाइम एंड वर्क. And that question is not very difficult. Easy category question. Not very difficult. And slot 2 में भी दो question जो है वो भी easy है. Slot 3 में भी जो दो question है वो भी easy है. So things about that, time and work topic कितना important हो जाता है कि किसी किसी साल में, मतलब एक slot में तीन तीन question आ रहे हैं. So उस वे से time and work topic बहुत important हो जाता है. And आपको बहुत अच्छे से इसको करना चाहिए, time and work का topic. और बेटर है कि आप पास्ट, जो जितने भी पास्ट के पेपर है ना टाइम एंड वर्क के, आप उतना कर लो, आपको एक क्लियर सेंस आ जाएगा कि हाँ कौन से टॉपिक और कौन से कॉन्सेप्ट, नॉट टॉपिक, कौन से कॉन्सेप्ट पे जो कैट है वो मैक्सिमम क्वेश्चन को पिक कर रहा है. ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन से जो कॉन्सेप्ट है उस पे कैट ज्यादा क्वेश्चन को पिक कर रहा है. इसलिए जो पास्ट के पेपर हो जाते हैं ना, वो सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और इसीलिए मैं टॉपिक वाइज स्पेशली बना रहा हूँ टॉपिक वाइज, क्योंकि यहाँ पे जब आप एक टॉपिक का बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ करोगे, सो वहां पे आपको एक बेटर क्लैरिटी आएगा कि हाँ कौन से कॉन्सेप्ट का मैक्सिमम क्वेश्चन आया हुआ है. ये चीजें मैं फेस किया जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था. सो टॉपिक वाइज कहीं यूट्यूब एंड ऑल पे मुझे क्वेश्चन नहीं मिला है, लेकिन लिमिटेड है वो, पूरे जो टॉपिक है उसका नहीं बना हुआ है टॉपिक वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चन. सो दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस थिंग्स टू हेल्प यू गाइज. सो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन अपना. ये अपना पहला क्वेश्चन है, रीड करते हैं. द अमाउंट नीता गीता टुगेदर अर्न इन अ डे इक्वल व्हाट सीता अलोन अर्न इन 6 डेज. द अमाउंट सीता एंड नीता टुगेदर अर्न इन अ डे इज इक्वल टू गीता अलोन अर्न इन 2 डेज. ओके. द रेशियो ऑफ डेली अर्निंग ऑफ द वन हु अर्न द मोस्ट ऑफ डैट एंड मोस्ट ऑफ डैट ऑफ द वन Who earned the least is. So, simple सा basic fund है कि हमको efficiency निकालना है तीनों का, क्योंकि वही बोला है कि ratio निकालना है earning का. So, हम लोगों को पता है कि जो earning का ratio होता है वो efficiency के ratio के equal होता है. So, indirectly ये question क्या बोल रहा है कि आप भैया efficiency find out कर दो और उसमें ratio find out कर दो जिसका efficiency ज्यादा है और जिसका efficiency कम है. बस ये क्वेश्चन बोल रहा है. और यहाँ पे जो स्टेटमेंट भी दिया है ना कि नीता एंड गीता टुगेदर अर्न, ये अर्न जो है ना वो इनडायरेक्टली इफिशियंसी को ही डिनोट किया है कि नीता एंड गीता का जो इफिशियंसी है वो इक्वल है सीता का इफिशियंसी जो 6 दिन में काम करेगी. सो सॉल्व करते हैं इसको. नीता प्लस गीता का जो इफिशियंसी होगा वो सीता जो 6 दिन में काम करेगी उसका इफिशियंसी के बराबर होगा, मतलब जो वर्क होगा. Now, सीता एंड सीता प्लस नीता टूगेदर अर्न इन अ डे इक्वल टू गीता अलोन इन वर्क अलोन अर्न इन 2 डेज. सो 2 गीता. ओके, सॉल्व करते हैं इक्वेशन को. यहाँ पे इस नीता गीता गीता गीता. ओके, सो लेट्स अज्यूम दैट इस सीता का इफिशियंसी 1 है, क्योंकि हमको रेशियो ही फाइंड आउट करना है. सो अगर कुछ में भी हम कुछ भी वैल्यू एज्यूम करेंगे वो कट कर जो मिनिमम रेशियो होगा वो वहां पे आ जाएगा. सो लेट्स एज्यूम कि सीता का एफिशिएंसी 1, सो नीता प्लस गीता का एफिशिएंसी 6. नाउ वी नो सीता का 1 है, सो वी गेट नीता का 2g माइनस 1. पुट द वैल्यू ऑफ नीता हेयर.
जी माइनस वन प्लस जी इक्वल टू सिक्स, तो जी इक्वल टू 7/3, वी गॉट इफिशियंसी ऑफ जी. नाउ वी कैन गेट इफिशियंसी ऑफ एन, सो एन इक्वल टू 6 - 7/3, तो 6 3 = 18, सो 11/3. अब देखो तीनों का इफिशियंसी पता चल गया मुझे. अब हमको रेशियो निकालना है जो मोस्ट मैक्सिमम एंड लीस्ट. तो मैक्सिमम इफिशियंसी किसका है, ये है इनिता का, एंड लीस्ट वन, सो 11/3 / 1 = 11:3. दैट इज ऑप्शन डी. वेरी बेसिक क्वेश्चन, राउंड वन क्वेश्चन, राउंड वन क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, नॉट और टेक मोर देन 1.5 मिनट. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज सेकेंड क्वेश्चन. सॉल्व करते हैं. ए बी एम कैन कंप्लीट अ वर्क अलोन इन 15 days, 12 days, 20 days. अब यह इतना पढ़ने से हमको समझ में आना चाहिए कि एलसीएम अप्रोच यहाँ पे अप्लाई होगा. वी वर्क एवरी डे, ए वर्क ओनली ऑन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे, वाइल एम वर्क ओनली ऑन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड डे एंड फर्स्ट डे. वेरी इजी. देन द नंबर ऑफ डेज नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इज, सो वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ डेज, टोटल कितना हुआ. सो हमको इफिशियंसी चाहिए, और फिर जो स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक बोला है बस उस पर हमको प्ले करना है. सो लेट्स एज्यूम कि टोटल वर्क कितना है, 15, 12, 20, 60 एज्यूम कर सकते हैं. एलसीएम तीनों का, ए का इफिशियंसी हो गया 4, बी का इफिशियंसी हो गया 5, एंड एम का इफिशियंसी हो गया 3. नाउ वी वर्क एवरी डे, सो वी जो है वो वर्क एवरी डे कर रहा है, मतलब 5 यूनिट एवरी डे वर्क हो रहा है वी का. प्लस ये फर्स्ट डे हो गया, ये सेकेंड डे हो गया, ये थर्ड डे, ये फोर्थ डे, ऐसे ही आगे चला जाएगा. ए वर्क ओनली ऑन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे, तो ए का एफिशिएंसी 4, एंड ये अल्टरनेट कर रहा है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा ऐसे. एंड एम वर्क ओनली ऑन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड डे, तो सेकेंड डे एम 3 3. अब देखो ऐड करो इसको, 9 7 9 7 पैटर्न बन रहा है. फिर यहाँ पे 9 आएगा, फिर यहाँ पे 7 आएगा. सो हम बोल सकते हैं कि जो दो 2 डेज में टोटल जो वर्क हो रहा है 9 और 7 16 यूनिट, हमको 60 यूनिट वर्क कंप्लीट करना है. सो 4, इसका हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 16 3 = 48, अगर 5 और 3 8, सॉरी 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 17. तो 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 6 डेज में 7 3 = 51 यूनिट कंप्लीट हुआ. 6 डेज में 51 यूनिट, तो 6 डेज में 51 यूनिट होगा. तो 7th डे कितना वर्क हो रहा है, 9 यूनिट होगा. जो भी ऑड डे है वहां पे 9 यूनिट वर्क हो रहा है. सो जो 7th डे होगा वो 51 + 9, दैट इज 60 यूनिट. तो 7th डे वर्क कंप्लीट हो जाएगा. दैट इज ऑप्शन ए इज आवर आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. वेरी इजी क्वेश्चन. ये सारी थिंग्स मैंने आपको समझाने के लिए बोला, अदरवाइज ये मैं चीजें लिखता भी नहीं. बस हाँ एक ये दो डे का मैं लिखता हूँ, यहाँ से फिर मुझे समझ जाता कि हाँ 2 दिन में 17 यूनिट वर्क हो रहा है. सो आई नो कि 6 डेज में 51 यूनिट होगा. सो 7th डे मतलब ऑड डे पे 9 यूनिट वर्क हो रहा है. इट मीन्स जो 7th डे होगा वहां पे भी 9 यूनिट वर्क होगा. सो 51 + 9 = 60, तो 7th 7 दिन में वर्क मेरा कंप्लीट हो जाएगा. बस यही मैं करता अगर मैं सॉल्व करता. ये आपको समझाने के लिए मैं इतना चीजें किया. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज थर्ड. अमर अकबर एंथनी, ओके कंफ्यूजिंग नेम, आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. वर्किंग टुगेदर अमर एंड अकबर कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 1 ईयर. अकबर एंड एंथनी कैन कंप्लीट इन 16 मंथ. ओके मंथ एंड हेयर ईयर, सो हम लोग मंथ में कन्वर्ट करके चलेंगे.
एंथनी एंड अमर कैन कंप्लीट इन 2 ईयर 24 मंथ इफ अ पर्सन हु इज नीदर द फास्टेस्ट नॉर द स्लोवेस्ट वर्क अलोन स्लोवेस्ट वर्क अलोन द टाइम इन मंथ ही विल टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इज, मतलब जो बीच वाला पर्सन का इफिशियंसी है उसको नंबर ऑफ डालना है। देखो सिंपल सा है कि टोटल वर्क का कुछ इक्वेशन निकल सकता है। अमर एंथनी 1 ईयर में कर रहे हैं, अकबर और एंथनी 16 मंथ में कर रहे हैं, एंथनी एंड अकबर 24 मंथ में कर रहे हैं। यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट्स एज्यूम डेट कि अमर जो है वो एक्स, अकबर वाई और एंथनी जेड। तो इसको मैंने एज्यूम इसलिए किया एक्स वाई जेड कि जो मेरा कैलकुलेशन हो ना उसमें अमर अकबर एंथनी ये बार बार लिखना ना पड़े, वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा क्योंकि अल्फाबेट ना सेम है, इसलिए मैंने एक्स वाई जेड एज्यूम कर लिया। तो अमर एंड अकबर 24 डेज में, सो अमर सॉरी एक्स प्लस वाई जो 12 मंथ में काम कर रहे हैं टोटल वर्क, अकबर एंड एंथनी वाई प्लस जेड 16 मंथ टोटल वर्क, एंथनी एंड अमर मतलब एक्स प्लस जेड 24 टोटल वर्क। तो वी हैव 3 वेरिएबल एंड 3 इक्वेशन, सॉल्व कर सकते हैं। टोटल वर्क टोटल वर्क टोटल वर्क सेम है, इसको इक्वेट कर लेंगे। तो लेट्स की इसको और इसको एक इक्वेट करते हैं, 12x+12y=16y+16z। यहाँ पे वाई वाई ओके सो 4y+16z 12x, यहाँ से एक इक्वेशन आया। फिर इसको और इसको इक्वेट करते हैं, x 12x+12y=24x+24z, सो ये 12x हो जाएगा, 12x=12y=24z, तो 12y-24z 24z=12x, यहाँ से एक आ गया। अब देखो ये 12x है और यहाँ भी 12x है, सो इसको इसको हम इक्वेट कर सकते हैं। दैट मीन्स 4y+16z=12y-24z, यहाँ पे ये हो जाएगा 8y और ये हो जाएगा 40z, 8 5 सो 5z=y। यहाँ हमको एक रिलेशन मिल गया जेड और वाई में। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं कोई भी। सो लेट्स एज्यूम कि जेड का जो वैल्यू है वो 1 है, सो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो वी कैन गेट वैल्यू ऑफ एक्स, पुट करते हैं यहाँ पे जेड, सो 16 4+20 दैट इज 36, 36 डिवाइडेड बाई 12 3, सो एक्स का वैल्यू हो गया 3। टोटल वर्क हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी में भी पुट कर सकते हैं वैल्यू एक्स वाई जेड का, सो एक्स वाई एक्स और वाई 8 और 12 8 जा 96, सो वी गॉट टोटल वर्क इफिशियंसी ऑफ ऑल 3 पर्सन। नाउ वी हैव टू फाइंड द डेज जो ना तो फास्टेस्ट हो और ना स्लोवेस्ट हो, ये फास्टेस्ट है ये स्लोवेस्ट है, सो वी हैव टू एक्स का, एक्स मतलब अमर का नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है। सो 96 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3=3 to 32 डेज, लेट टीटा है सो वी हैव टू 32 क्या सिलेक्ट करना है कीबोर्ड से, तो 32 इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इजी मतलब इजी कैटेगरी में नहीं कर सकते बट मॉडरेट, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, क्योंकि ये चीजें अगर एक बार में क्लिक नहीं आती है तो फिर आपको एक और इसको इक्वेट करना पड़ेगा, फिर वहां से क्वेश्चन
कुछ आपको एक्स और वाई का और या जेड में रिलेशन देखना पड़ेगा, फिर वैसे करना पड़ेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अगर अच्छा लग रहा है सॉल्यूशन देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कमेंट व्हाट यू फील अबाउट द वीडियो। सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अनिल कैन पेंट अ हाउस इन 60 डेज एंड विमल कैन पेंट अ हाउस इन हाउ मच। ओके, अनिल स्टार्ट पेंटिंग एंड आफ्टर 10 डेज बीमल एंड चारू ज्वाइन हिम, टुगेदर दे कंप्लीट द पेंटिंग इन 14 मोर डेज। इफ दे आर पेड टोटल 21,000 फॉर द जॉब, देन द शेयर ऑफ चारू इन इंडियन रुपीज प्रोपोर्शनेट टू वर्क डन बाई हिम इज। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पास्ट, मतलब पास्ट में सॉल्व किया है। 21 से पास्ट में जो कैट का क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम इसी टाइप के, तो देख सकते हो कि कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट हो रहे हैं इस टाइप के कॉन्सेप्ट। सो इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे बेटर पकड़ होना जरूरी हो जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब इसको समझते सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से देखो, आप यहाँ आज मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं आपको समझ में आना चाहिए कि एलसीएम अप्रोच है। लेट एज्यूम करते हैं कि टोटल वर्क जो एलसीएम है 60 का कितना, 12 5 12 700, 12 × 35 इट मीन्स 60 36 420, 420 एलसीएम ले लिया। अनिल का एफिशिएंसी कितना होगा? 7। विमल का एफिशिएंसी कितना होगा? 5। 5 × 20 8 × 40 = 5। नाउ अनिल स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 10 डेज विमल चारू एंड ज्वाइन, सो इट मींस अनिल अलोन वर्क फॉर 10 डेज। इट मींस अनिल 10 डेज में 70 यूनिट वर्क को कंप्लीट कर रहा है एंड बीमल एंड चारू ज्वाइन हिम एंड टुगेदर दे कंप्लीट द पेंटिंग इन 14 मोर डेज। मींस ए प्लस बी प्लस सी, ये 14 डेज में टोटल वर्क कितना, रिमेनिंग वर्क कितना होगा? तो रिमेनिंग वर्क 350। इट इज ये लोग 350 यूनिट वर्क 14 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। सो ए प्लस बी 17 5 12 प्लस सी 14 25 जा 350, तो सी का एफिशिएंसी हो गया 13। सो वी गॉट द एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी एंड वी हैव टू फाइंड इस चारू का कितना पैसा मिला। सो चारू वर्क फॉर 14 डेज, 14 डेज में चारू ने कितना यूनिट वर्क किया? 14 × 3। टोटल वर्क कितना है? 420। टोटल पैसा कितना है? 21,000। सो 14 और ये हो जाएगा 2, 1 0 से 1 0 कैंसल, 250। 14 और 13 जाए 182 × 50, 5 2 0 0 1 8 5 4 0 18 5 90 और 91 91। सो 9100 मतलब ऑप्शन डी। सो चारू गेट 9100 रुपीज फॉर देयर वर्क। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नॉट वेरी डिफिकल्ट बेसिक क्वेश्चन। सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन 21 से पहले भी आ चुका है। तो बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। दिस वन रीड करते हैं। टू पाइप ए एंड बी आर अटैच्ड टू एन एम्प्टी वॉटर टैंक। पाइप ए फिल्स द टैंक वाइल पाइप बी ड्रेन्स इट। इफ पाइप ए इज ओपन एट 2 PM एंड पाइप बी इज ओपन एट 3 PM, द टैंक बिकम फुल एट 10 PM। ओके, इंस्टेड इफ पाइप ए इज ओपन एट 2 PM एंड पाइप बी इज ओपन एट 4 PM, देन द टैंक बिकम फुल एट 6 PM। ओके, इफ पाइप बी इज नॉट ओपन एट ऑल, देन द टाइम इन मिनट मिनट, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, टेकन टू फिल द टैंक इज। अब ये चीजें समझना इसलिए जरूरी है कि देखो यहाँ तो चलो ऑप्शन दे दिया,
अगर यही क्वेश्चन ये ऑप्शन ना दे रखे और बोले यहाँ मिनट में और जल्दीबाजी के चक्कर में हम ये चीजें रीड ना कर पाए, और सपोज कि आंसर आया 2 आवर, सो वहां पे हम क्या पुट कर वैल्यू डालेंगे, 2 डाल के आगे बढ़ेंगे, जब आंसर की आएगा सो वो रॉन्ग हो जाएगा। आप सोचोगे कि कैसे रॉन्ग हो सकता है ये, सो ये हमने नहीं रीड किया, इसके वजह से मतलब ये होता 120 और आंसर, लेकिन हमने मारा 2 आवर में। तो इसलिए जो छोटी छोटी चीजें है ना उसको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कैट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कैट अथॉरिटी और जो पेपर सेटर हैं जो ये चीजें भी चेक करना चाहते हैं कि आप क्वेश्चन कितना अच्छे से रीड कर पाते हो या नहीं। सॉल्व करते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी सॉल्व करा है। तो देखो क्या है कि ए और बी दो पाइप है, और जो ए है वो 2 बजे ओपन हो रहा है और बी 3 बजे, और टैंक को फिल हो रहा है 10 PM में। सो ए ने टोटल कितने घंटे वर्क किए, 2 से 10 का, तो 2 से 6 4 और 4 8। बी ड्रेन कर रहा है, सो माइनस इनटू 3 बजे वो ओपन हो रहा है, ये 2 बजे ओपन हो रहा है, मतलब 1 घंटा कम, 1 घंटा ये बी कम काम कर रहा है, सो ये बी इक्वल टू 7। ये जो टोटल वर्क हो गया मतलब इतना, ये मतलब ए 8 घंटा और बी 7 घंटा काम कर रहा है, सो टैंक को फिल कर पा रहा है। नाउ वही जो टैंक है वो ए अगर 2 बजे ओपन होता है और बी ओपन एट 4 PM, सो वो लोग 6 बजे तक टैंक को फिल कर पाते हैं। इट मीन्स ए ने टोटल कितना वर्क किया, 2 से 6 4 आवर, माइनस बी ने टोटल कितना वर्क किया, 2 घंटे, सो ये लोग टोटल वर्क को कंप्लीट कर पा रहे हैं। सो देखो यहाँ पे ऐसे लिखने का मतलब ये है ना कि डायरेक्ट हम लोग टोटल वर्क को इक्वेट कर रहे हैं। अब हम लोग इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हाँ मतलब इतना इक्वल टू टोटल वर्क, फिर इतना इक्वल टू टोटल वर्क लिख कर फिर हम इसको इक्वेट कर रहे हैं, ये चीजें करने की जरूरत नहीं है अब, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिखा। सॉल्व करते हैं, सो 4 ये 4A हो जाएगा, 8 4A और 8A ये माइनस है, सो उधर जाकर प्लस हो जाएगा 5B, सो वी कैन टेक वैल्यू ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 4, ले सकते हैं ना, टोटल वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 5 8 5 जा 40 और 7 4 जा 28, सो 40 माइनस 28 डेट इज 12, सो वी गॉट टोटल वर्क 12 यूनिट। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड पाइप बी इज क्लोज्ड, मतलब पाइप बी क्लोज्ड है एंड मिनट्स में पाइप ए कितना मिनट में फिल करेगा, सो दैट इज 2 2 बाई 5 इंटू 60 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, सो 12, सो 2 आवर 24 मिनट, इट मीन्स 2 आवर 120 प्लस 24 दैट इज 144, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर एट 144 मिनट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, वेरी बेसिक क्वेश्चन, नॉट वेरी डिफिकल्ट वन। बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन। अनिल कैन पेंट अ हाउस इन 12 डेज एंड वरुण कैन पेंट अ हाउस इन 16 डेज। अब इतना रीड करते ही हमको समझ में आना चाहिए कि टोटल वर्क जो होगा एलसीएम 12 और 16 का 48, इतना पढ़ते ही हमको इतना समझ में आना चाहिए, बाद बाकी जो सॉल्यूशन होगा वो देखेंगे। ए बी सी अंडरटेक टू पेंट द हाउस फॉर 24,000 एंड 3 ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द पेंटिंग इन 6 डेज। अब देखो मैंने जो कॉन्सेप्ट वीडियो था टाइम एंड वर्क का उसमें बताया था कि अगर कोई बंदा मतलब 2 3 बंदा है अगर साथ में काम कर रहे हैं तो जो उनका वेजेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इफिशियंसी के रेशियो में होगा, अगर साथ में काम कर रहे हैं, अगर साथ में काम ना कर रहे हो सो वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो जो पर्सन जितना यूनिट वर्क कर रहा है उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ पे बी ने जितना यूनिट वर्क किया डिवाइडेड बाई टोटल वर्क यूनिट उसके रेशियो में वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और यहाँ पे टुगेदर वर्क कर रहे हैं, इट मीन्स जो इफिशियंसी का रेशियो में हम लोग ये वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा।
इफ चंदू इज पेड इन प्रोपोर्शन टू वर्क डन बाय हिम देन द अमाउंट इन इतना इतना। ओके वेरी इजी क्वेश्चन, बस हमको इफिशियंसी फाइंड आउट करना है, उस पर वर्क कर लेना है। ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 4। बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 3। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो 6 इक्वल टू 48, 8 6 48, ए प्लस बी 4 3 7, सो सी का इफिशियंसी 1 हो गया। वी गॉट द इफिशियंसी, साथ में काम कंप्लीट कर रहे हैं, सो वेजेस निकालना है, सो 1/8 × 24,000, 3,000 आंसर, थीटा 3,000। मार्क करो, आगे बढ़ो, वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी राउंड वन क्वेश्चन, लेस देन 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था, लेस देन 1 मिनट में, लेस देन 1 मिनट में 3 मार्क्स। कितना इजी है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, सो इसलिए इसको करना बहुत जरूरी है अच्छे से। हाँ मतलब 1 मिनट में आप 3 मार्क्स गेन कर रहे हो, बहुत बहुत अच्छी डील है। आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सो रीड करते हैं। वन डे राहुल स्टार्टेड अ वर्क एट 9 AM एंड गौतम ज्वाइंड हिम 2 आवर लेटर। ओके दे देन वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट द वर्क एट 5 PM सेम डे। कुछ समझ में आया क्वेश्चन किस टाइप का है? इस टाइप का क्वेश्चन, ए 2 बजे कर रहा है, बी 3 बजे, इतना बजे वर्क कंप्लीट कर रहा है, सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है ये। 5 बजे ए ने, ये 9 बजे स्टार्ट किया, गौतम 2 बजे बाद स्टार्ट कर रहा है, 5 बजे खत्म हो रहा है, सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर ये वाला क्वेश्चन। तो देखो इसीलिए पास्ट कैट करना बहुत जरूरी है, और वो भी मतलब टॉपिक वाइज अगर करोगे ना, तो वहां पे बेटर क्लैरिटी होगी कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। इफ बोथ हैड स्टार्टेड एट 9 AM एंड वर्क टुगेदर, द वर्क वुड हैड बी कंप्लीटेड 30 मिनट अर्लियर, मीन्स 4:30 PM पे वर्क कंप्लीट हो रहा है। द टाइम राहुल वुड हैव टेकन इन आवर टू कंप्लीट द वर्क। सो राहुल का टाइम हमको निकालना है टू कंप्लीट द वर्क। वेरी बेसिक क्वेश्चन, ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी वे पे, उसी मेथड से सॉल्व होगा। तो देखो राहुल कितने घंटे काम कर रहा है? 9 से 5, 9 से 12 3, और 12 से 5 4, 1 2 3 4 5, 5 सॉरी, सो 5/3 8 आवर, प्लस गौतम 2 घंटे बाद मतलब 6 घंटे काम कर रहा है। अगर दोनों 9 बजे काम को स्टार्ट कर रहे हैं, सो 4:30 में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, इट मींस राहुल प्लस गौतम दोनों कितने, 7.5 घंटे काम किए, 7 आवर 30 मिनट, 15/2। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, 15/2 मैंने क्यों लिखा, 7 30 का 60, सो 7 1/2, सो 15/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो 2 से इधर, सो 16R+12G=15R+15G, 15R 16R R 12G 15G 3G। लेट एज्यूम जी का वैल्यू 1, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। वी गॉट इफिशियंसी ऑफ राहुल, इफिशियंसी ऑफ गौरव, सो वी विल गेट टू नो टोटल वर्क, टोटल वर्क ये और इसमें से किसी में भी वैल्यू डालकर आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। सो इसमें डालते हैं 8 3 = 24 और ये 6 30। नाउ वी हैव टू फाइंड राहुल का टाइम कितने घंटे में काम कर रहा है, सो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई राहुल का एफिशिएंसी, दैट इज 10 आवर, इट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन, राउंड वन क्वेश्चन, ये भी लेस देन 1 मिनट, 1 एंड 15 सेकेंड, लेस देन 1 मिनट एंड 15 सेकेंड में क्वेश्चन होने वाला था, मतलब 15 सेकेंड रीड और 1 मिनट सॉल्व, दैट्स इट। सो ये क्वेश्चन लास्ट लास्ट था, एंड आई होप आपको कुछ चीजें क्लियर होंगी टाइम एंड वर्क के। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2022 का टाइम एंड वर्क सॉल्यूशन के साथ।
सो तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड. बाय बाय, टेक केयर.